नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टेक कार्डनाथ आप सभी का स्वागत है। ऐसे नए नए वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, तो नए नए वीडियो के अपडेट आपको प्राप्त होते रहेंगे। चलिए, आज का नया टॉपिक है हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर। बेसिकली सेंसर होते क्या है, हमारे एक ऐसे डिवाइस होते हैं जो एक सिग्नल को सेंस करते हैं, उस हिसाब से आउटपुट में रिस्पॉन्स देते हैं। तो हम प्रॉक्सिमिटी सेंसर हम जनरली जो अपने सिलेबस में प्रॉक्सिमिटी सेंसर की बातें करेंगे, ठीक है। तो ये सेंसर कितने टाइप के होते हैं, जनरली हम ऐसे देख लेते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके टाइप्स में देख लेते हैं, टाइप्स में, ठीक है। तो ये जनरली कितने होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है PNP, ठीक है, सेंसर, और सेकेंड होता है आपका, ठीक है, NPN, ठीक है, ठीक है। हम ये जनरली आपने सुना नहीं होगा PNP और NPN टाइप का ट्रांसिस्टर, लेकिन ये होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मैं एग्ज़ाम के पर्पज़ के कारण आपको बता दे रहा हूँ ये PNP और NPN ट्रांसिस्टर क्या होते हैं। इसको मैं अगले लेक्चर में एक लेक्चर बना दूंगा आपको, PNP NPN ट्रांसिस्टर क्या होते हैं। जनरली PNP ट्रांसिस्टर क्या होता है, जो जनरली इस यहाँ से गुजरता है कि ये पॉजिटिव आउटपुट हमेशा प्रोवाइड कराते हैं। NPN ट्रांसिस्टर क्या होते हैं, आपके हमेशा नेगेटिव आउटपुट प्रोवाइड कराते हैं। तो पॉजिटिव आउटपुट के लिए PNP, नेगेटिव आउटपुट के लिए NPN प्रोवाइड कर। जब भी आप कोई सेंसर खरीदेंगे तो उस पर वो लिखा होता है कि वो PNP ट्रांसिस्टर है कि NPN ट्रांसिस्टर है। अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव नेगेटिव हम अपनी आवश्यकता अनुसार कर लेते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मान लीजिए बहुत पुराना हो गया है हमारा सेंसर, ठीक है, उस पर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं कि PNP कौन सा है, NPN नहीं है, तो भी एक प्रोसेस होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा वो PNP है कि NPN है, ठीक है। जनरली ये हम अगला एक लेक्चर बना देंगे PNP और NPN ट्रांसिस्टर पे। अभी जो हमारे सिलेबस में है इंडक्टिव ट्रांसिस्टर और कैपेसिटिव ट्रांसिस्टर, उसको पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में मैं इंडक्टिव और कैपेसिटिव ट्रांसिस्टर के बारे में बताऊँगा। तो दो टाइप के ट्रांसिस्टर पढ़ेंगे हम आज, ठीक है, इंडक्टिव ट्रांसिस्टर या सेंसर, ठीक है, सेंसर लिख देते हैं, ठीक है, ट्रांसिस्टर लिखते हैं, ट्रांसिस्टर वर्ड जनरली यूज किया जाता है। ठीक है, और सेकंड हम पढ़ेंगे कैपेसिटिव। ठीक है, आज के लेक्चर में इंडक्टिव ट्रांसिस्टर और कैपेसिटिव ट्रांसिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं इंडक्टिव ट्रांसिस्टर। तो हम लोग पढ़ते हैं इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में, ठीक है। तो ये सेंसर बेसिकली क्या होते हैं, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, इंडक्शन पे, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इंडक्शन पे बेस्ड होते हैं, ठीक है, इंडक्टिव प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। जनरली ये यूज़ किया था, मैं एक वर्ड यूज करूँ जनरली, ठीक है, मेटालिक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के, मेटालिक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए जनरली इंडक्टिव ट्रांसिस्टर का हम उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इंडक्टिव प्रिंसिपल पे आधारित होता है ये, इसको समझ लेते हैं हम कैसे होता है आपका, ठीक है। जैसे फिगर हमने बना रखा है इंडक्टिव ट्रांसिस्टर का, तो उसमें क्या होता है, इंटरनल सर्किटरी, ये आपका टारगेट है, मतलब ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी का मोमेंट हम इस सेंसर के द्वारा हम कैसे प्राप्त करेंगे, अभी हम मैकेनिज्म में समझ में आ जाएगा। इंटरनल सर्किटरी है, इसके अंदर कॉयल वगैरह लगे होते हैं, ठीक है, और ये आपका सेंसिंग एड है, ठीक है, मतलब सेंसिंग कॉयल, ठीक है, सेंसिंग कॉयल लगे हुए हैं, ठीक। अब कैसे वर्क करेगा ये, इसकी वर्किंग समझते हैं, सेंसिंग कॉयल। तो जैसे ये सेंसिंग एड है, तो ये क्या करता है, आपका एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है, इसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस पर भी, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका क्रिएट किया हुआ। और टारगेट क्या करेगा, मेटेलिक है, जनरली हमने बताया ना मेटेलिक ऑब्जेक्ट के लिए टारगेट क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। मान लीजिए आगे की तरफ मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो जैसे ही ये इसके मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में आएगा ये मेटेलिक ऑब्जेक्ट, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टैक्ट में आने के बाद जो ये ऑब्जेक्ट होगा,
ठीक है, इसमें एक प्रकार का ईडी करंट जनरेट हो जाएगा, ठीक है, ईडी करंट जनरेट हो जाएगा। उस ईडी करंट जनरेट होने कारण क्या होगा, जो इसकी इंटरनल सर्किटरी है, ठीक है, इंटरनल सर्किटरी है इस, क्षमा चाहूँगा मित्रों, तो आगे पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में इसके कांटेक्ट में आएगा, इसमें एक प्रकार का ईडी करंट आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड होती है, हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड है, संपर्क में आने पर इसमें ईडी करंट जनरेट हो जाएगा। ईडी करंट जैसे जनरेट होगा तो इस ईडी करंट जनरेट होने के कारण इसकी जो इसकी इंटरनल सर्किटरी का जो हाई फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होगा, ठीक है। चेंज होने के कारण जो ऑक्सिलेटरी सर्किटरी है उस पर लोड आपका इंक्रीज हो जाएगा, तो उसी कारण हमको पता चल जाएगा कि हमारा टारगेट किस तरफ से मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे आगे की तरफ मूव करेगा तो आपके हाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इफेक्ट होगा, ज़्यादा ईडी करंट जनरेट होगा, तो आपका लोड इंटरनल सर्किट उसी हिसाब से मैकेनिज्म होती है, ठीक है, बता देगा कि आपका टारगेट इधर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। हम वापस जैसे जाएंगे इस दिशा में मूव करेंगे तो इस हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाएंगे, ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी का जो चेंजमेंट होगा वो कम होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। ईडी करंट जनरेट होगा मतलब क्या है, ईडी करंट जैसे जनरेट हो रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, उस हिसाब से इंटरनल सर्किट अपना आउटपुट दे देता है। उस हिसाब से हम पता कर लेते हैं कि ये टारगेट किस तरफ मूविंग है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है या आपका रिवर्स डायरेक्शन में है, ठीक है। जल्दी अब हम क्या बताइए, ईडी करंट जनरेट हो रहा है, ईडी करंट किस में जनरेट होगा, एक प्रकार के मेटल में, ठीक है। इसलिए हमने बताया कि जो इंडक्टिव ट्रांसिस्टर होता है जनरली यूज किया जाता है मेटल को डिटेक्ट करने में, ठीक। अब इसके आगे दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। तो कैपेसिटिव पास्टिव सेंसर या कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो ये जनरली इसके प्रिंसिपल इसका क्या हो, किस प्रिंसिपल बेस्ड होगा, इसका प्रिंसिपल होगा कि दो मेटालिक ऑब्जेक्ट पर डिपेंड, प्रिंसिपल होगा इसका कैपेसिटिव प्रिंसिपल, कैपेसिटिव प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे दो प्लेट हैं आपके, ठीक है, प्लेट वन प्लेट टू, ठीक है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, ठीक है। तो होता क्या है, इनके बीच का डिस्टेंस डी मान लीजिए, इनका एरिया ए रहा होगा प्लेट का, ठीक। तो ये प्लेट के जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो वो उन्हीं डिस्टेंस ही बताता है कि इनका कैपेसिटेंस कितना है। जो फार्मूला आप जानते हैं, सी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन जीरो ए अपॉन डी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डी, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन अपॉन डी, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है प्लेटों के बीच का, ठीक है, वो कैपेसिटेंस उसी हिसाब से मेंटेन होता है, ठीक। ये मैकेनिज्म इसमें आधारित होती है। और सेकेंड चीज इसमें क्या है कि ये जनरली नॉन मेटल के लिए यूज किए जाते हैं, नॉन मेटल, ठीक है। हम एक वर्ड हमेशा यूज कर रहे हैं कि जनरली, ठीक है, नॉन मेटल के लिए। इंडक्टिव में बताया था कि वो मेटल के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हमेशा कैपेसिटिव या इंडक्टिव ट्रांजिस्टर, ये आप अपने आवश्यकता अनुसार जिस टाइप का आपका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब के, ठीक है। जैसे हमको पॉलीमर का चाहिए तो नॉन मेटल में आएगा, तो ऐसा नहीं है कैपेसिटेंस में, वो हमारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट, ये जनरली एक जनरल मतलब ऐसे यूज किया जाता है कि नॉन मेटल के लिए हम कैपेसिटेंस और मेटल के लिए इंडक्टिव, ठीक है। लेकिन इसके और भी बहुत सारे टाइप हैं जिसमें वो इंडस्ट्री में अप्लीकेशन के हिसाब से यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो ये इस मैकेनिज्म पे आधारित होता है, कैपेसिटिव प्रिंसिपल पे, ठीक है, कैपेसिटेंस का कितना होगा ये दो मेटल का उस हिसाब से, और ये नॉन मेटल के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। इसके जैसे सिंबल हमने बना रखा है, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ लेंगे हम लोग, कैपेसिटिव ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये तो आपका रहेगा, ठीक,
ये मैकेनिज्म वाला जो सेंसिंग कॉयल होगा यहाँ पे, सेंसिंग कॉयल, ठीक है, और ये आपका टारगेट है, जो टारगेट मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में या फिर रिवर्स डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। जैसे मूव करें, अभी देखिए मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस इतना है, ठीक। अब इनके बीच का जो कैपेसिटर होगा सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होगा, ठीक है, तो डी पे ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब मान लीजिए ये मूव कर गया, ठीक है, मूव करके आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब डी कितना हो गया आपका, इतना हो गया, डी कम हो गया। जैसे डी कम होगा कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा, तो हम देखें कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जा रहा है। तो इधर इस सर्किटरी लगी होती है, इंटरनल सर्किटरी इसकी, जो हमने इसमें बनाया नहीं है, इंटरनल सर्किट होती है, ठीक है, जो हमारा बताया था कैपेसिटेंस अधिक हो रहा है कि कैपेसिटेंस कम हो रहा है, उस हिसाब से हम टारगेट का मूवमेंट आप निकाल लेते हैं कि फार उसकी तरफ आ रहा है कि उससे दूर जा रहा है, ठीक है। और ये नॉन मेटेलिक के लिए यूज होते हैं जैसे हमने बताया जनरली, और ये कैपेसिटिव प्रिंसिपल पे आपके वर्क करते हैं, ठीक है। इसके इंडस्ट्री में बहुत अधिक काफ़ी जगह यूज होता है आपका कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ये इंडक्टिव कैपेसिटिव बहुत जगह यूज होते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब अगले टॉपिक में हमारा क्या लेक्चर बनता है वो हम बताएंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे नए नए वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो कैसा है लाइक कीजिए और उसको कमेंट कीजिए, बताइए वीडियो कैसा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।